फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑडिट रिस्क के बारे में। तो एज यू ऑल नो, अगर मैं आपसे पूछूंगी ऑडिट क्या होता है तो शायद आप बोलेंगे ऑडिट एक चेकिंग होती है, एक एग्जामिनेशन होता है। तो ऑडिट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल एंटिटी। हमको ऑडिट करवाना पड़ता है उसी तरीके से जिस तरीके से आप स्कूल में अपना पेपर लिखते थे और टीचर उसे चेक करती थी, वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है और ऑडिटर उसका ऑडिट करता है। तो अब ऑडिटर जब इसको ऑडिट करेगा तो क्या वो 100% सही चेकिंग करके हमें गारंटी दे सकता है क्या कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ट्रू है? नहीं, ऑडिट एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है, 100% अश्योरेंस नहीं दे सकता है। तो ऑडिट करने में कुछ कुछ रिस्क होते हैं और जो वर्ड है ऑडिट रिस्क, इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ टू वर्ड्स, ऑडिट एंड रिस्क। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करने में जो जो खतरा है, जो जो रिस्क है, उसको हम टर्म करते हैं ऑडिट रिस्क। एंड इन टेक्निकल टर्म्स ऐसे 315 हमें आइडेंटिफाई करना बताता है कि हम कैसे अलग अलग रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें असेस करेंगे। तो ऑडिट रिस्क जो है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, दैट आर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को हम साथ में मिला के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी बोलते हैं। आपने टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमन सुनी होगी अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप एक ऑडिटर हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ऑडिट रिस्क विल बी इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। तो बेसिकली फ्रेंड्स, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क एंड व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क, ये तीनों हमको जानना पड़ेगा बिफोर डिसाइडिंग व्हाट इज ऑडिट रिस्क। तो इनहेरेंट रिस्क है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके गलत होने के इनहेरेंट चांसेस कितने हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द आइटम्स इन बैलेंस शीट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बिजनेस। क्या इनहेरेंट पॉसिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है? सेकेंड है हमारा कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क का बेसिक मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने से हम रोक सकते थे पर हमने रोकी नहीं। तो ऐसा रिस्क जब हमारे कंट्रोल्स गलती को रोकने से फेल हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे कंट्रोल रिस्क, बहुत इजी लैंग्वेज में। और तीसरा है हमारा डिटेक्शन रिस्क, जो कि तीसरा लेवल है। जब आपका इनहेरेंट रिस्क थोड़ा कम हो गया, कंट्रोल रिस्क थोड़ा कम हो गया, फिर भी क्या चांसेस हैं कि आप एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे वाइल ऑडिटिंग, उसको हम बेसिकली बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो आप समझे, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क, जिनको हम मिला के बोलते हैं ROMMS या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और ये हम कंपेयर करेंगे डिटेक्शन रिस्क से। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो मिलके हो जाएगा हमारा ऑडिट रिस्क। तो बेसिकली यहाँ पे हम ऑडिट रिस्क को मिनिमाइज कैसे करेंगे या बैलेंस कैसे करेंगे, तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अगर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा है तो यू विल हैव टू इंश्योर कि आप डिटेक्शन रिस्क को कम से कम रखो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत कम है, मतलब कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें रिस्क होने का कोई चांस ही नहीं, एकदम इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप डिटेक्शन रिस्क को थोड़ा हाई रख के भी अपना काम चला सकते हैं क्योंकि ऑडिट रिस्क खुद ही मिनिमल हो चुका है। होप आपको ये अच्छा लगा होगा और ये एक इमेज जिससे आप रिलेट करेंगे कि कैसे हम रिस्क को कम 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 करते हुए ला सकते हैं। स्टिल ऑडिट इज़ नॉट इक्वल टू 100% अश्योरेंस, हम सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ एरर्स के चांसेस होंगे ही होंगे जो अनडिटेक्टेड रह जाएंगे। होप यू लाइक इट एंड मिलते हैं जल्दी एक और अच्छे वीडियो के साथ में। थैंक यू।